अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोए पवसावूनम् मंगलम् भगवान वीरो मंगलम् गौतमो गणि मंगलम् कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो सुमंगलम् सर्व मंगल मांगल्यम् सर्व कल्याण कारिकम् प्रधानम् सर्व धर्मानाम् जैनम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम्। यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की संपन्नता के उपरांत इसी ग्रंथ के अंत में परिशिष्ट के रूप में प्रथम परिशिष्ट के रूप में एक सुंदर छोटा सा प्रकरण पंडित गुमानी राम जी द्वारा दिया गया है। कौन थे ये गुमानी राम जी? यहां लिखा है इन्होंने परिशिष्ट एक समाधि मरण स्वरूप, फिर लिखा पंडित प्रवर टोडरमल जी के सुपुत्र पंडित गुमानी राम जी द्वारा रचित। माने ये जो समाधि मरण का स्वरूप यहाँ बतलाया जा रहा है, यह समाधि मरण का स्वरूप गुमानी राम जी का बताया हुआ है, उनके द्वारा लिखा गया है। देखिए आप नीचे ब्रैकेट में भी चार पंक्तियां लिखी है, तीन पंक्तियां लिखी है, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के सहपाठी और धर्म प्रभावना में उत्साह प्रेरक ब्रह्मचारी रायमल जी कृत ज्ञानानंद निर्भर निजरस श्रावकाचार नामक ग्रंथ से यह अधिकार बहुत सुंदर जानकर आत्मधर्म अंक 253-54 में दिया था, उसी में से शुरू का अंश यहाँ दिया जाता है। ब्रह्मचारी रायमल जी टोडरमल जी के समय में बहुत अद्वितीय विद्वान थे। टोडरमल जी से गोमट साराधि ग्रंथ पढ़ने की भावना से ये आए थे तलाशते हुए जयपुर, और जयपुर में टोडरमल जी मिले नहीं। वे आजीविका के लिए चले गए थे सिंघाणा, ठीक है ना, और जब वे वहां गए तो तलाशते हुए वहां पहुंच गए, और वहां जाकर उन्होंने गोमट सार आदि ग्रंथ और ऐसे विषयों के संदर्भ में, करणानुयोग के विषयों के संदर्भ में उनसे बहुत ज्ञान प्राप्त किया, और फिर निवेदन भी किया कि आप क्यों न इन ग्रंथों के ऊपर टीका लिख दो। तो ब्रह्मचारी रायमल जी के निवेदन पर उन्होंने गोमट सार जीवकांड, गोमट सार कर्मकांड, लब्धिसार और क्षपणासार, इन चार ग्रंथों की सम्मिलित टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका के माध्यम से रची। सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका करणानुयोग का एक अपने आप में बहुत विशिष्ट ग्रंथ है, उसकी मूल प्रति भी अपने यहाँ मंदिर में रखी हुई है, टोडरमल जी के द्वारा लिखित हस्तलिखित प्रति। तो आप सोचिए वो ब्रह्मचारी रायमल जी जो टोडरमल जी के सानिध्य में रह करके जिन्होंने अभ्यास किया और टोडरमल जी की प्रतिभा से जो बहुत प्रभावित थे, फिर उन्हीं के प्रयासों से ब्रह्मचारी जी ने वापस जयपुर आकर के जयपुर की जैन समाज को कहा, निवेदन किया कि तुम्हारे लोगों के, संपन्न लोगों के होते हुए भी इतने बड़े विद्वान को आजीविका के लिए वहां जाना पड़ा। तो जब यहां समझाया, लोगों को बताया, तो फिर वापस उनके निवेदन पर टोडरमल जी को जयपुर बुला लिया गया। पहले जयपुर ही रहते थे, कुछ वर्षों के लिए, 3-4 वर्षों के लिए वे सिंघाणा चले गए, है ना, और फिर वापस लौट करके यहां आए।
टोडरमल जी जब यहाँ प्रवचन किया करते थे अपने इसी मंदिर में, तो उनके प्रवचनों को सुन सुनकर अनेक विद्वान तैयार हुए। एक दो विद्वान नहीं, टोडरमल जी के समय में कोई ऐसे विद्वान बनाने का कारखाना, माने कोई ऐसा कोई विद्यालय वो नहीं चलता था जैसा वर्तमान में यहाँ चलता है। अब तो कई जगह शास्त्री होने के लिए ऐसे विद्यालय बन गए हैं, खुल गए हैं। उस समय तो जयपुर से बाहर निकलना भी बड़ा कठिन काम था, आसान नहीं था। आवागमन के साधन भी सुलभ नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, बैलगाड़ी का जमाना था या फिर पैदल ही जाया करते थे। माने समझ लीजिए जयपुर से 100-150 किलोमीटर दूर भी जाना हो तो बहुत कठिन काम हुआ करता था। तो कोई पढ़ने लिखने के लिए भी बाहर नहीं जाते थे, घर में ही या पाठशालाओं में ही शिक्षाएं हुआ करती थी। ऐसे समय में टोडरमल जी के सानिध्य में उनकी सभा में बैठने वाले अनेक लोग, जिनमें समझ लीजिए जो नाम लिखे हैं ना इधर पट्टी के ऊपर, बहुत सारे नाम लिखे हैं विद्वानों के, उनमें ये बहुत सारे नाम हैं जो टोडरमल जी के शिष्यों में हैं और जिन्होंने टोडरमल जी के बाद में भी बहुत बड़ा काम किया। पंडित जयचंद जी छाबड़ा का नाम उसमें सर्वोपरि है। ब्रह्मचारी रायमल जी भी उन्हीं में से एक हैं। पंडित देवीदास जी गोधा और भी इसी तरह के दीवान रतनचंद जी, माने ऐसे बड़े बड़े लोग थे जिनके नाम इतिहास में आज भी प्रसिद्ध हैं। उन सब ने टोडरमल जी के सानिध्य में रह करके शिक्षा प्राप्त की, जैन तत्व ज्ञान का गहन अभ्यास किया। टोडरमल जी के ही पुत्र, दो पुत्र थे टोडरमल जी के, एक हरिश्चंद्र और एक गुमानी राम। अब उनके आगे वंश की क्या स्थिति है वर्तमान में कुछ पता नहीं है। दो पुत्र थे तो निश्चित रूप से टोडरमल जी के वंशज आज भी कहीं ना कहीं जयपुर में या यहां मौजूद होंगे, हम नहीं कह सकते लेकिन कुछ भी उसके बारे में। यदि होंगे भी तो निश्चित रूप से वे तत्व ज्ञान से बहुत दूर होंगे, क्योंकि यदि वे तत्व ज्ञान से दूर नहीं होते तो आज समाज में इस रूप में प्रसिद्ध होते कि हम टोडरमल जी के वंशज हैं। ज्यादा पुरानी बात थोड़ी ना है, 8-10 पीढ़ियां बीती हैं। गुमानी राम जी के बाद में तो मुश्किल से 6-7 पीढ़ियां निकली होगी, और ज्यादा बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 25 साल में एक पीढ़ी निकलती है क्या? टोडरमल जी के बाद में 250 वर्ष हुए, और जिसमें एक पीढ़ी में गुमानी राम जी आ गए, और 250 वर्षों के अंदर 70-80 साल की उम्र तक के लोग अभी तक जिंदा है। तो उनसे पहले यदि देखो तो मुश्किल से 100-125 साल के अंदर 5-6 पीढ़ियां मुश्किल से होंगी। तो कोई कुछ कह नहीं सकते साहब, ये तो कहते नहीं है कि हमारे पूर्वज थे। तो अब परिवार कितने बढ़ गए हैं, ऐसे गोदिका जी के बारे में भी कहा जाता है कि वो उन्हीं की गोत्र के थे, उन्हीं के वंशज हैं, लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन न मालूम क्या है। कुल मिलाकर के बात यह है कि टोडरमल जी के पश्चात, उनके स्वर्गवास के पश्चात, उनके द्वारा चली जा रही तत्वज्ञान के प्रचार प्रसार की जो प्रभावना हो रही थी उनके माध्यम से, उस प्रभावना को बहुत आगे बढ़ाने में उन्हीं के सुपुत्र पंडित गुमानी राम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम सब जानते हैं इस बात को कि यहीं निकट में, बगल में 4 कदम दूरी पर, अगले ही चौराहे पर दीवान बदीचंद जी का मंदिर है। उस दीवान बदीचंद जी के मंदिर में गुमान पंथ आमनाए चलती है, और आगे चलें तो उसके एक चौराहे आगे एक और मंदिर है जिस मंदिर को गुमानी राम जी का मंदिर कहा जाता है, पद्मावती स्कूल के पास। तो गुमानी राम जी का मंदिर और दीवान बदीचंद जी के मंदिर में गुमान पंथ आमनाए, ये गुमानी राम जी की ख्याति और प्रसिद्धि को ही आज तक प्रदर्शित करता है कि वे कितने प्रतिभाशाली और कैसे विद्वान होंगे जिनका नाम आज भी श्रद्धा से याद किया जाता है। यदि मंदिर वाले लोगों से पूछो कि
कि तुम्हारा मंदिर ये गुमानी राम जी का मंदिर है, ये गुमानी राम जी कौन थे? फिर कहेंगे साहब पता नहीं लेकिन गुमानी राम जी का ही कहलाता है। तुम्हारे मंदिर में, आपके मंदिर में साहब, आपका भी मंदिर है, बहुत लोग हैं, तो आपके मंदिर में यदि गुमान पंथ आमनाएं चलती है तो आपको पता है गुमान पंथ क्या है? कहते तो हैं, आप ही लोगों से सुना है हमने तो कि गुमान पंथ आमनाएं है। लोग ऐसा कहते हैं जिन लोगों से हमने सुना है कि ये जो आमनाएं चली गुमानी राम जी से, ये तेरा पंथ आमनाएं में भी और अधिक दृढ़ता के लिए थी, और अधिक कट्टरता के लिए थी। हमने तो पहले ऐसा भी सुना है कि दीवान बदीचंद जी के मंदिर में गुल्लक नहीं रखी हुई थी, क्या माने जो पंचायती मंदिर था और जो उनके जो पंच थे वे ही लोग पैसा इकट्ठा करके मंदिर की गतिविधियों के अंदर दान दिया करते थे। और उसके पीछे जब जानकारी ली मैंने उस संदर्भ में, आप लोगों को भी शायद पता हो इस बात का, तो उनका ये कहना था कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अनीति अन्याय बेईमानी से धन कमाएगा और गुल्लक में ला करके डाल देगा तो ऐसा धन हमारे को जिन मंदिर में नहीं चाहिए, क्या ऐसी परंपरा थी। आज भी उस मंदिर में कलश नहीं होते हैं, जिन मंदिर में वहां पंखे नहीं थे बहुत समय तक, बहुत शुद्ध आमनाएं। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि गुमानी राम जी ने वहां बहुत वर्षों तक शास्त्र सभा का संचालन किया दीवान बदीचंद जी के मंदिर में, और हो सकता है वहां करते हों और कुछ और आगे करते हों। इतिहास का तो अपने को कुछ पता नहीं है, हम तो अनुमान ही लगा रहे हैं। हो सकता है यहां इस मंदिर में भी टोडरमल जी के स्वर्गवास के पश्चात सभा चली हो, और कदाचित ये भी संभव है कि राजा के द्वारा जब इतना बड़ा कदम उठा दिया गया, टोडरमल जी की हत्या हो गई माधो सिंह जी के निर्देशन में, और जो श्याम तिवारी जो उस पूरे षड्यंत्र के रचयिता थे उनके माध्यम से जब ये सारा सब काम हुआ, तो हो सकता है उस दौरान यहाँ शास्त्र सभा चलना बंद भी कर दिया गया हो, यह बात भी संभव है। और टोडरमल जी के द्वारा लिखे गए हस्तलिखित ग्रंथ जो कि वास्तव में गुमानी राम जी की धरोहर थी, उनके पिताजी के लिखी हुई थी ना, तो उनके उसका मूल उत्तराधिकारी, उनका अधिकार तो उसी के ऊपर था, उनके बेटे पर ही। तो हो सकता है इस मंदिर में यदि ऐसी कुछ श्रृंखला परंपरा कुछ समय के लिए रुकी हो तो गुमानी राम जी अपने पिताजी द्वारा लिखे गए इस अपूर्ण किंतु अपूर्व मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को अपने साथ में लेकर बदीचंद जी के मंदिर चले गए हों, क्या ये अनुमान भी हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वर्तमान में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की ओरिजिनल प्रति वो दीवान बदीचंद जी के मंदिर में उपलब्ध है। ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि जब टोडरमल जी इसी मंदिर में प्रवचन किया करते थे, यह जिन मंदिर टोडरमल जी की कार्यस्थली रहा, टोडरमल जी के माध्यम से इसी जिन मंदिर में इतने व्याख्यान होते थे, इतने लोग आते थे, इतना लेखन सब कुछ काम यहाँ हुआ, तो फिर उनका लिखा हुआ हस्तलिखित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ इस मंदिर में क्यों नहीं है, वो वहां कैसे चला गया? तो हमें ये मालूम है कि वहां गुमान पंथ आमनाएं चलती है, और हमें ये भी मालूम है कि गुमानी राम जी टोडरमल जी के बेटे थे, क्या तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि वो वहां चला गया हो और पश्चात वो वहीं रह गया हो। अभी वर्तमान में वो दीवान बदीचंद जी के मंदिर की संपत्ति है, धरोहर है वो वास्तव में। मेरे से हिंदुस्तान के कोने कोने में जब मैं जाता हूं तो लोग मुझसे ये कहते हैं कि हम जयपुर आएंगे तो क्या हमें उसके दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। अनेक बार अनेक लोग जब आते हैं तो उनके साथ में कुछ टाइम की अव्यवस्था, कुछ सेटिंग नहीं बैठना, और उनको बहुत खेद होता है कि वे जाते हुए दर्शन नहीं कर पाए उसके। और अनेक लोगों को हम दर्शन कराते भी हैं, और उसमें राजकुमार जी भाई साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, आप संभालते हैं उसको वहां। खैर देखिए, ये गुमान पंथ आमनाएं, एक आमनाएं नाम दे दिया गया उस गुमान पंथ को।
माने मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसी दूसरे मंदिर में गुमान पंथ आमनाएं चलती होगी। क्या गुमान पंथ, जिस पंथ को चलना प्रारंभ हुआ, वास्तव में ये कोई नया पंथ नहीं है। अरे विद्वानों के नाम से आगे वाले लोग एक पंथ कहकर के जरूर पुकार देते हैं, लेकिन वास्तव में यह कोई पंथ नहीं है। यह पंथ तो जैन ही है। माने सदा काल से जो आचार्य कुंदकुंद और वीतरागी संतों के माध्यम से प्रवर्तित जो तत्व ज्ञान है, पथ तो वही है। ठीक है ना, कोई नया मार्ग उन्होंने नहीं चलाया। बस इतना है कि टोडरमल जी ने जिस शक्ति से और जिस दृढ़ता से क्रियाकांडों पर, समझ लीजिए, बाहरी जो धर्म में धोखा हो रहा था, धर्म के नाम पर जो मिश्रण हो रहा था, धर्म के नाम पर जो मिलावट हो रही थी, धर्म के नाम पर जो बाहरी इधर उधर की क्रियाएं इसमें मिश्रित हो गई थी, जिसके ऊपर टोडरमल जी ने जो चोट मारी, समझ लीजिए जो एक क्रांति उन्होंने की पूरे देश में, पूरी दुनिया में, बहुत बड़े स्तर पर, उस क्रांति को आगे, उस क्रांति के झंडे को, ध्वज को आगे संभालने का काम गुमानी राम जी ने किया। माने गुमानी राम जी कोई कम नहीं थे। इनकी प्रतियां कौन सी है, इन्होंने कौन सी कृतियों की रचना की है, इसके बारे में तो कुछ विशेष खबर नहीं है, लेकिन जरूर इन्होंने कुछ ना कुछ तो लिखे ही होंगे। यदि पांडुलिपियों में तलाशा जाए तो वो भी बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन उन्हीं के द्वारा लिखा गया समाधि मरण का स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, जो परिशिष्ट के रूप में, पहले परिशिष्ट के रूप में मात्र पौन पेज में ये हमारे पास में सामने उपलब्ध है। देखिए पढ़ते हैं अपन, यहां मूल बात क्या है, समाधि मरण का कैसा स्वरूप ये कहना चाहते हैं। और सोचो ये समाधि मरण का स्वरूप भी शायद उन्होंने अपने पिता की निर्दयता से हुई हत्या के समय लिखा हो, उसके पश्चात लिखा हो। विद्वत्ता तो थी ही, और टोडरमल जी को जब हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया गया, उसमें भी कारण बने मुख्य रूप से तो समझिए आप जैनी ही, जैन अजैन सभी। टोडरमल जी ने जो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का पांचवा अध्याय लिखा, जिस पांचवें अध्याय में उन्होंने अन्य मत समीक्षा की, खतरनाक प्रकरण है। माने ऐसी खुलेआम हजारों लोगों के बीच में इस प्रकार की बातें करना, उन्हें झूठा सिद्ध करना, उन लोगों को गलत सिद्ध करना, सही बात के पोषण के लिए कई बार उनको धमकियां भी दी गई होगी इस तरह की बातें नहीं कहने के लिए। लेकिन सत्य से समझौता नहीं करने वाले व्यक्ति निर्भीक और निडर रहते, ये क्या फर्क पड़ता है मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इस सत्य बात का प्रतिपादन तो होगा। ये पहले ही उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखते समय ही उन्होंने पहले ये बात कह दी थी कि वर्तमान में काल दोष से अनेक लोग ऐसे भी हो गए हैं जिन लोगों ने इसमें मिलावट कर दी है, जैन धर्म में, जैन तत्व ज्ञान में अनेक बातें इस प्रकार की जोड़ दी गई है, अनेक काल्पनिक कहानियां जोड़ दी गई है, जिन कहानियों में कर्तावाद का पोषण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में कहानियां जोड़ दी गई, पार्श्वनाथ भगवान के संदर्भ में कहानियां जोड़ दी गई, मनेराजों, त्यागियों, तपस्वियों के संदर्भ में नई नई कहानियों का निर्माण कर दिया गया। ये उसी तरह से प्रसिद्धि के लिए कहानियों का निर्माण होता है, जिसका एक बहुत सटीक उदाहरण ओ माई गॉड में वो लास्ट में दिया गया। क्या जिस बात का वो निषेध करने लगा, जिसका झगड़ा किया उसने, उसी बात को आधार बनाकर या उसी व्यक्ति को आधार बनाकर नया भगवान दुनिया में खड़ा कर दिया गया, उसके लिए कहानियां गढ़ दी गई। कल रात को कांजी भाई मेरे सपने में आए थे, हैं? चौकीदार कुछ कहता है, कोई आदमी दूसरा कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मेरे को भी दिखे और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, उटपटांग कल्पनाएं इस तरह की प्रभावना के लिए लोग उनको सच मानने लगते हैं, प्रचार होने लगता है उल्टा सीधा। तो टोडरमल जी ने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के प्रारंभ में ये बात कही थी कि यदि किसी व्यक्ति के माध्यम से इस तरह की कोई गलत परंपरा समाज में चलने लगेगी, तो आगे आने वाले विद्वान, आगे आने वाले समझदार लोग उस गलत परंपरा को चलने नहीं देंगे। फिर उन्होंने स्वयं प्रश्न उठाया कि कैसे नहीं चलने देंगे, लिखी हुई बात है और मिल गई है, उन्हें कैसे पता लगेगा कि ये बात सच्ची है या झूठी है।
अनेक लोग तो यही कहकर के पुकारेंगे कि साहब इतने सालों पहले शास्त्रों में लिखी है तो गलत कैसे हो सकती है। तो उन्होंने बहुत सुंदर तर्क दिया कि सुनो भाई, जिस तरह से सच्चे मोतियों में कोई व्यक्ति झूठे मोती मिला देवे क्या, तो पार की व्यक्ति उसे पहचान लेते हैं, उनकी परस्पर में झलक नहीं मिलती और वो नकली को निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं। यद्यपि वे नकले मोती दिखते तो असली के समान ही हैं। अभी यदि मैं यहां रखे कागज के टुकड़े को आपसे कहूं कि ये 2000 का नोट है जो अभी नया चला है, तो आप क्या कहोगे? अरे पंडित जी, झूठ भी कह रहे हो तो कम से कम ऐसा तो कहते कि शक्ल तो उस जैसी होती क्या? माने जहां शक्ल वैसी हो, जहां कलर वैसा हो, जहां साइज वैसी हो, उसको चलाने के चांस हैं। और दूसरी बात यह भी समझ लेना कि नकली चीज चलाने वाला व्यक्ति 100% नकली नहीं चलाता, वो असली में नकली मिलाकर चलाता है क्या? सर्वथा नकली ही बात हो तो चलेगी कैसे? लेकिन असली बात में यदि बीच बीच में नकली बात मिला दोगे तो उसके साथ साथ में चल जाएगी, लोग बैग जाएंगे, चलने लगेगी वो बात धीरे धीरे। तो असली में नकली मिलाने संबंधी ये काम अनेक लोगों के माध्यम से हुआ। असली में नकली मिलाने का मतलब समझे आप, जो लोग राग द्वेष का पोषण करते हैं, जो लोग कर्तावाद का पोषण करते हैं, जो लोग ईश्वर को जगत का कर्ता कहते हैं, हमारे सुख दुख का करने वाला कहते हैं, वो लोग भी अहिंसा की चर्चा भी करते हैं, वो रात्रि भोजन त्याग की बातें भी करेंगे, वो पानी छान कर पीने की बात भी करेंगे, वो आपके शास्त्रों में बतलाए गए 6 द्रव्यों की बात भी करेंगे और 7 तत्वों की बात भी करेंगे, लेकिन बीच बीच में वो अपनी अपनी बातें, क्योंकि ये बातें ना करें तो फिर उनको जैन कौन कहे? समझ में आ रही है बात? तो बोलने में तो सब अच्छी लगेगी क्या? पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं प्रवचन के संदर्भ में कि प्रवचन तो सबका अच्छा ही होता है। सबका मतलब टीवी पर आने वालों का सबका क्या? सब चैनलों पर, धार्मिक चैनल जो चलते हैं उन पर जितने लोगों के प्रवचन आते हैं क्या, कि हमेशा कहते हैं प्रवचन तो अच्छा ही होता है, फिर तर्क क्या देते हैं उसके पीछे? उसके पीछे तर्क ये है कि वो जो प्रवचन करेंगे उस प्रवचन में ये तो कहेंगे नहीं कि चोरी करो, ये तो बोलेंगे नहीं कि झूठ बोलो, ये तो कहेंगे नहीं सबको कषाय करना चाहिए। तो जो बात बोलेंगे वो बात तो जगत के जीवों को अच्छी लगेगी क्या? लेकिन अच्छी लगने का मतलब वो सच्ची है ऐसा मत समझ लेना क्या? अच्छी तो लग रही है क्या, पर सच्ची होने का नियम नहीं है। सच्ची है या नहीं है इस बात के लिए तो बुद्धिपूर्वक आपको निर्णय करना पड़ेगा, तत्वाभ्यास करना पड़ेगा, पूर्वाचार्यों की बात से, परंपरा से मिलान करना पड़ेगा कि वितरागता का पोषण है या नहीं है। जनवाणी तो वितरागता की पोषक होती है, जहां वितरागता का पोषण होगा वो जनवाणी है, वो बात सच्ची है। इसलिए वो मूल परंपरा से बात मिलाना, असली बात वहां से मिलाना, वही परंपरा चलनी चाहिए आगे। ऐसी बातें टोडरमल जी ने पहले ही अध्याय में लिख दी। फिर आगे चलते चलते दूसरे अध्याय में आकर के उन्होंने चर्चा की कर्मों की, अनादि कर्म बंधन की सिद्धि की, फिर कर्मों की कुछ अवस्थाओं के बारे में बतलाया, फिर तीसरे अध्याय में आकर के संसार के दुखों के बारे में बतलाया, ये जीव किन किन वजह से दुखी है ये सब दुखों की चर्चा की। तीसरे अध्याय में संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण, अंतिम 2 पेजों के अंदर 3 पेज में उन्होंने मोक्ष सुख का वर्णन किया, और उससे पहले कर्मों की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से, इच्छाओं की अपेक्षा से ये जीव किस प्रकार से दुखी है उसका वर्णन हुआ तीसरे अध्याय में। चौथे अध्याय में वर्णन हुआ अग्रहित मिथ्यात्व का, कि साहब ये जो दुखी हुआ है जीव, तीसरे अध्याय में जिन दुखों की बात कही है इन दुखों का कारण क्या है, तो चौथे अध्याय में उन्होंने कारण बतलाए। मैं पूरा मोक्षमा प्रकाशक बतला रहा हूं आपको क्या, सब पढ़ा है हमने। तो चौथे अध्याय में कारण बतलाए और 5वें अध्याय में गृहित मिथ्यात्व की चर्चा प्रारंभ की, न्याय से, तर्क से, युक्ति से, अन्य मत, अलग अलग तरह के मतों की, संप्रदायों की, जो जैन नहीं है
ऐसे समस्त संप्रदायों की चर्चा उन्होंने पांचवें अध्याय में की, अन्य मतों की चर्चा उन्हीं के ग्रंथों का आधार देकर, उन्हीं के ग्रंथों का हवाला देकर, और उनका निषेध कि देखो तुम्हारे यहाँ कथन ऐसा है, पूर्वापर विरोध मिलता है, तुम्हारे ही ग्रंथों में रात्रि भोजन का निषेध करते हैं, और तुम्हारे ही ग्रंथों में कहीं ऐसा भी लिखा पाते हैं कि चांद देख के भोजन करना, तो है ना तुम्हारे विरोधी बात। उनके ग्रंथों में मिलेगा कि रात्रि में भोजन नहीं करना, अनेक पुराणों में, मार्कंडेय पुराण वगैरह में अनेक जगहों पर हवाले दिए, इस तरह के तर्क दिए, तत्व तात्विक चर्चा भी की, सबका निषेध करते हुए चलो पांचवा पूरा हुआ। छठवें अध्याय में जैन होकर के भी जो गृहित मिथ्यात्व के कारण अन्य मतियों समान हो गए हैं, ऐसे लोगों की चर्चा की जिसमें गृहित मिथ्यात्व पर बहुत चोट मारी, और उन्होंने एक एक का नाम लेकर के चर्चा की, गणेश, हनुमान, देवी, दहाड़ी, नमालूम कितने 50 नाम गिनाए उन्होंने, सब नाम गिना करके बात की उन्होंने, एक एक का नाम लेकर के बात की है कि ये जैन धर्म में पद्मावती, क्षेत्रपाल ऐसे ऐसे जो इसमें जुड़ गए हैं धर्म के नाम पर, हैं तो देवी देवता क्या? पद्मावती के देवी होने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, पार्श्वनाथ के द्वारा सुनाए गए मंत्र से, पार्श्वनाथ के द्वारा सुनाई गई चर्चा से, क्या उस संबोधन से, वे नाग और नागिन के जोड़े युगल, वे मरकर के धर्णेन्द्र और पद्मावती हो गए, हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वे नहीं होते तो बेचारे पार्श्वनाथ का क्या होता? क्या क्या ऐसा पार्श्वनाथ को बेचारे कहने वालों की यहां छुट्टी की है छठवें अध्याय में। उन्होंने कहा क्या समझ रखा है तुमने, पार्श्वनाथ भगवान केवल ज्ञान प्रकट करने वाले हैं, पार्श्वनाथ भगवान तीन लोक के नाथ हैं, पार्श्वनाथ भगवान उस हस्ती का नाम है जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की बरसात करने के लिए सौधर्मेंद्र आ गए, जिनका गर्भ में आने पर गर्भ कल्याणक मनाने के लिए सौधर्मेंद्र आए, स्वर्ग से देव आए, जिनका जन्म कल्याणक मनाने के लिए असंख्यात देव ऐरावत हाथी पर बिठा करके मेरु पर्वत पर ले गए, 1008 कलशों से जिनका जन्माभिषेक किया, आज का जन्मा हुआ बालक पर विचलित नहीं हुआ, जन्म से जो अतुल्य बल के धनी होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए किसी और की जरूरत पड़ेगी? कल्पना नहीं कर सकते हो आप उनके अतुल्य बल की, जन्म से अतुल्य बल था। हाँ, यह घटना भी परम सत्य है कि रक्षा करने के विकल्प से धर्णेन्द्र पद्मावती आए थे, क्या रक्षा करने के विकल्प से आए थे धर्णेन्द्र पद्मावती, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वे आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वे नहीं आते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान तो पहले से ही सुरक्षित थे, क्या अपने अतुल्य बल से सुरक्षित थे, अल्प काल में केवल ज्ञान प्रकट करने वाले थे, ध्यान मग्न थे, वे तो मुनि हो गए थे, मतेश्वत अवधि मने पर ये ज्ञान के धारी थे, अनेक प्रकार की रिद्धियों से संपन्न थे, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए इस तरह के विचार रखने वालों का भी वहां बहुत दृढ़ता से निषेध किया छठवें अध्याय में। अब देखो आप जिस जिसका निषेध करते जा रहे हैं वो आदमी विरोधी होता जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की बात देख लो, अपनी बुराई को सहन करना आसानी से बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ी सी बुराई करके देख लो घर टूट जाते, झगड़े हो जाते, बच्चों की बुराई करके देख लो सामने जवाब देना चालू कर देते, घर छोड़ के जाने की धमकी देते, और एक दूसरे की बात नहीं मानो तो छोड़ के चल देते, क्या क्या नहीं होता है दुनिया में, इस जगत में। उन सबके पीछे यदि कोई कारण दिखाई देता है तो वो कारण यही है कि उनके विरोध में कहना, उनके मन माफिक बात नहीं कहना, और बात जब धर्म की आती है, धर्म के नाम पर अंध भक्तों की भी कमी नहीं है, सीमा पर जो लोग घुसपैठ के लिए प्रयास करते रहते हैं और मौत की कीमत पर भी क्या वे मानते नहीं है, कौन है वे लोग, अंध भक्त लोग हैं क्या? धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर पकड़ में आ गए सोचो आप, और उनसे यदि कोई रहस्य उगलवा रहे हैं तो वे जहर अपने साथ में रखते हैं और तुरंत खा जाए और मर जाए,
मरने को तैयार, पूछो आप क्या हालत है, किस लिए, धर्म के नाम पर। क्या भरते हैं उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में, इसका मतलब धर्म के नाम पर मर मिटने की इच्छा रखने वाले लोग भी दुनिया में कम नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस दुनिया में आज तक जितने झगड़े हुए हैं उन झगड़ों में धर्म के नाम पर होने वाले झगड़े भी कम नहीं है। क्या इस हिंदुस्तान की धरती ने धर्म के नाम पर बहुत दंगों को झेला है, फिर वो किसी भी नाम पर हो, फिर चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पर हो, चाहे सिया सुन्नी के नाम पर हो, क्या चाहे हिंदुओं में आपस में झगड़े हो, चाहे वो राम जन्मभूमि के नाम पर हो, चाहे वो दिगंबर श्वेतांबरों के बीच में हो, चाहे वो बीस पंथी तेरह पंथियों के बीच में हो, क्या ये जितने झगड़े दुनिया में दिखाई देते हैं सरदारों में भी, ये जो पंथ जहां बट गए हैं, पंथ का बटना ये झगड़े के बिना संभव नहीं, घरों में बंटवारा होना ये मन मुटाव के बिना संभव नहीं है। पिताजी तो जब तक अपनी जान में जान है तब तक बच्चों को एकजुट होकर के रहने की प्रेरणा देते, बेटा साथ में रहो, मिलजुल करके रहो, एक ही रसोई रहे, रसोई अलग मत करो, साथ में बिजनेस है, शामिल में बिजनेस है, साथ में चलता रहे। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे 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 बढ़ता रहता है। तो हमारा ये कहना है कि धर्म के नाम पर बहुत विद्रोह हुए हैं और आज से नहीं वर्षों से होते रहे हैं। टोडरमल जी के समय में भी ऐसे धर्म के नाम पर विद्रोह करने वालों की कमी नहीं थी। पांचवा अध्याय लिखा गया और धीरे धीरे जब वो बात अन्य मतियों के पास में पहुंची, हर व्यक्ति समझदार तो होता नहीं है, किससे क्या बात करना और कैसे कहना, यहां कोई बात सुनी और अपने अन्य मती मित्रों को जाकर के ये बात कह दी कि तुम्हारे धर्म में तो ये ऐसी ऐसी बात है, तो फिर क्या होगा बतलाओ, कौन व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करेगा। जब ये बात समाज में फैलने लगी तो धीरे धीरे करके विरोध भी बढ़ने लगा और संख्या भी बढ़ने लगी, विरोध प्रचार की जननी होता है, और ज्यों ज्यों लोग आने लगे त्यों त्यों और विरोध बढ़ने लगा, अन्य मती लोग खफा हो गए। फिर छठवां अध्याय लिखा तो जैनी लोग खफा हो गए, और फिर सातवां अध्याय लिखने लगे आगे इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का, तो जैनियों में भी जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया है, जैन शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनकी गलतियां निकालने लगे। इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का पेज नंबर 220, क्या 220 नंबर का पेज इस बात का गवाह है कि टोडरमल जी ने किसी को नहीं छोड़ा। क्या भक्ति करने वाले, पूजा करने वाले, दान देने वाले हैं, व्रत उपवास करने वाले, 220 पेज पर देखो आप, प्रारंभ से ही ये प्रकरण दिया है 220 पेज पर देखो, और ऊपर से देखो पूरा पेज, ये जो लिखा है ना इस पूरे पेज में यही वर्णन है एक एक व्यक्ति का, देखो जरा लाइनें क्या कहते हैं, वहां कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से, पढ़ रहा हूं 220 पे है ना, वहां कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभादिक के अभिप्राय से धर्म साधते हैं उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। बहुत से लोग इन्होंने जैन कुल में जन्म ले लिया है, हम तो जैन है साहब, हम तो जैन है साहब, और धर्म प्रवृत्ति करना चाहते हैं, धर्म बुद्धि नहीं है तुम्हारे तो, समझते ही नहीं हो। आगे चलो, यदि भक्ति करते हैं, अब भक्ति करने वालों को लिया, भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, और मुख से पाठाधिक करते हैं वह नमस्कार अधिक करते, हालत क्या है, मन में कुछ चल रहा है, बोल कुछ रहे हैं, दृष्टि कहां घूम रही है, हाथ से नमस्कार आदि कर रहे हैं, पाठ बोले जा रहे हैं, इधर उधर देखे जा रहे हैं, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा कहते हैं, और लो अर्घ तुम भी ले लो, तो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा भगवान के उधर चढ़ाने की जगह दूसरे के हाथ में चढ़ता है। बोलो कौन आया, कौन गया, कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है, ये भक्ति करने वालों की छुट्टी कर दी इन्होंने इस वाक्य में। फिर ऐसी बात नहीं है कि गलती बताई है, सच्चाई भी बताई, आगे लिखा है इन्होंने, परंतु ये ठीक नहीं है, मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करता हूं, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूं, पाठ में क्या अर्थ है, सो कुछ पता नहीं है। बोले जा रहा है
किसके सामने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, भक्ति कर रहा है, और भक्ति की धुन बजती है तो नाचने लगता है, चमर हाथ में लेकर के नाचने लगता है। इसको कुछ पता नहीं है, जैसे बारात में नाचता है वैसे भगवान के सामने नाचता है। इसको तो धुन पे नाचना है बस, पैर नहीं रुकते इसके, तो कुछ ठिकाना ही नहीं है क्या नाच रहा है, क्यों नाच रहा है, भक्ति में क्या कहा गया है, इसका क्या अर्थ है, जिनेंद्र देव कौन है, मैं कौन हूं। तो भक्ति करने वाले नाराज हो गए, यार हम तो भक्ति करते हैं और ये हमारे लिए ऐसा कहते हो। ब्रैम्पटन कनाडा में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन था 2014 में है ना। तो हम लोग थे ही वहां, उत्तम चंद जी सिवनी वालों का प्रवचन था और उन्होंने प्रवचन में कुछ इस प्रकार की बात कह दी भक्ति करने वालों के संदर्भ में, उसके लिए नाचगान शब्द का प्रयोग कर दिया। क्या ये नाचगान, अभी तक तो नाचगान चल रहा था, इस नाचगान में कुछ दम नहीं है, ऐसा कह करके उनके प्रवचन में कुछ वाक्य आ गया। तो वहां सभा में इतना विवाद हो गया, क्या क्या वो जो थे ना जिनके परिवार के बच्चों ने वो जो नाचगान मतलब भक्ति की थी, उन्होंने कहा कि आप भक्ति को नाचगान कहते हो, भगवान की भक्ति है, सौदर इंद्र भी करता है, देवलोग भी करते हैं, आप ऐसा नहीं। बहुत उस संदर्भ में बहुत विवाद हुआ, माने ये भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन भाई स्वरूप समझ करके भक्ति करो तो कार्यकारी है, और ना समझी में यदि भक्ति करो तो तुम्हें कुछ पता नहीं है, अर्थ का अनर्थ होगा। चलो कोई बात नहीं, भक्ति की बात कह दी, अब ये इनकी कह रहे हैं, कदाचित कुदेव आदि की सेवा करने लग जाता है, सुदेव कुदेव कुशास्त्र आदि की कुछ विशेष पहचान नहीं है, इनकी की छुट्टी कर दी। फिर उसके नीचे बढ़े तो दान देने वालों की कह दी, अब दान देने वाले तो देते हैं खूब दान, दान देता है तो पात्र अपात्र के दान के बिना देता है, भाव के बिना देता है, कौन पात्र है कौन अपात्र है, नाम जहां हो जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। फिर तप करने वालों की बात कह दी, भूखा रह करके मेहनतपना प्रदर्शित करता है, बोलो परिणामों की पहचान नहीं है, अपने परिणामों को पहचानो भाई साहब, अकेले भूखे रहने का नाम तो तप नहीं है, अकेले भूखे रहने का नाम तो उपवास नहीं है। हाँ उपवास में भोजन का त्याग भी होता है लेकिन परिणामों की संभाल इंपॉर्टेंट है। तो उपवास करने वाले भी सोचने लगे, यार ये तो हमारे लिए भी, हमने उपवास किया हमारे विरोध में बोलते। फिर व्रतादि धारण करने वालों की बात कह दी, भाई ये क्रिया पर तो दृष्टि है, कोई सच्ची क्रिया करता है कोई झूठी करता है, अंतरंग में राग आदि भावों को पहचानते नहीं। फिर और नीचे पूजा प्रभावना करने वालों की बात कह दी, अब कौन छोड़ दिए ये तो बताओ। फिर और नीचे चले तो अन्य जीवों को सुधारने के लिए कार्य करता है और कुछ पता नहीं है नफे नुकसान का परिणामों का। इस तरह से अनेक लोगों के बारे में जब इस प्रकार की बातें कही जा रही थी तो आप लोग सब प्रसन्न हो रहे थे, हाँ देखो भक्ति करने वाले, देखो दान देने वाले, देखो पूजन करने वाले हैं। फिर पता है नीचे आकर के क्या कह दिया, शास्त्राभ्यास करने वाले भी। क्या आप ये मत समझो कि आपको छोड़ दिया है, शास्त्राभ्यास करने वालों के संदर्भ में भी उन्होंने कह दिया कि शास्त्राभ्यास करता है तो पद्धति रूप प्रवर्तता है, ऐसा देख करके प्रवर्तता है कि चलो यार प्रवचन का समय हो गया चलते हैं, टाइम पास हो जाएगा, सुने आते हैं, पहले पिताजी जाया करते थे अब वो नहीं जा पाते, अब अपन हमारे घर से कोई ना कोई तो चलता ही है, चलता रहता है, ऐसा चलते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत टहलना हो जाता है, मिलना जुलना हो जाता है, सब बढ़िया रहता है, संपर्क बना रहता है। अरे भाई क्या कह रहे हो, पहले तो वांछता नहीं है और कदाचित पढ़ने वाला हो वांछता हो तो औरों को सुना देता है। क्या पढ़ा और पढ़ करके औरों को सुना दिया, और यदि सुनाया नहीं खुद नहीं पढ़ा तो पढ़ जाता है, सुनता है तो सुन लेता है, परंतु शास्त्राभ्यास का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन अंदर में नहीं पहचानता। इस शास्त्राभ्यास का प्रयोजन क्या था, अब बोलो जरा। इस प्रकार की इतनी बातें जब ये कह रहे हैं तो कौन व्यक्ति इनकी प्रशंसा करेगा, क्या आप जैसे लोग तो बिरले ही मिलते हैं जो ऐसी बातें सुन के भी मुस्कुराते हैं,
क्या ये डांट लगा रहे हैं अपने को और अपन मुस्कुरा रहे हैं? इधर डांट लगा रहे हैं ना, तुम क्या करते हो तुम रोजाना यहां आकर के? रोजाना आ जाते हो यहां है? पूजा भी करते हो और यहां बैठ करके प्रवचन भी सुनते हो और टाइम वेस्ट करते हो? उसमें क्या कहा गया है उसका चिंतन विचार करने का तुम्हारे को टाइम मिलता है थोड़ा बहुत दिन भर में? यहां से जाने के बाद आगे जो 23 घंटे हैं उन 23 घंटों में दोबारा क्या विचार करते हो? यहां क्या बात सुनी थी? ये ऐसा डांट लगा रहे, डांट रहे तो लोग विरोधी होते चले। क्या कारण बना टोडरमल जी के विरोध का? यही कारण बना। और फिर राजकीय कार्य के कुछ किसी भी तरह का कुछ आरोप उनके ऊपर लगा और उसके कारण फिर उनको मृत्यु दंड सुना दिया गया। सिपाही आ गए पकड़ करके ले जाने के लिए उनके घर पर, और वे शास्त्र लिख रहे थे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिख रहे थे, आत्मानुशासन की टीका भी लिखी उन्होंने। ये सारे ग्रंथ लिखे टोडरमल जी के द्वारा, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए उनमें से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ उसकी टीका अधूरी रह गई, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ ये तो कलम दवात सामने रखकर, पेज सामने रखकर लिख ही रहे थे, सोचो आप। और लिखते लिखते ही लास्ट में जो आधा पेज जो लिखा, आधा अक्षर बहु शब्द लिखा इतना, और बहु ही लिखने वाले थे, और हाथ पकड़ के उठा लिया उनको और उठा करके ले गए, मृत्यु दंड सुना दिया गया। और न मालूम इसी जयपुर के कौन सी जगह पर, जौहरी बाजार में ही कहीं होगा, क्योंकि उस जमाने का जयपुर तो चार दीवारी के अंदर ही था, और तो कहीं था नहीं। क्या लोगों ने कहा माफी मांग लो छोड़ देंगे? किस बात की माफी मांग ले रहे? लोगों ने कहा कि तुमने जो लिखा है उसको जला दो, लोगों ने कहा तुमने जो लिखा है उसे फाड़ दो, उसे नष्ट कर दो, तुमने जो लिखा है उसके बारे में भरी सभा में ये कह दो कि मैंने गलत लिखा है, झूठ लिखा है। ऐसा कैसे कह दें? सच्चाई का निरूपण है, तर्क संगत निरूपण है, एक एक तर्क देकर के वो बात की है। जो भी घटना घटी हो, एक ऐसा कुचामन में शायद वो चित्र भी ऐसा बना हुआ देखा मंदिर में, और भी कई स्थानों पर देखा है हमने कि जिसमें हाथी के पैर के नीचे टोडरमल जी को कुचलवा दिया गया था, हाथी भी पैर ऊपर करके खड़ा रहा, महावत उसको चुभाता रहा, क्या अंकुश पैर रखने के लिए, और वो पैर रखने को तैयार नहीं था। फिर टोडरमल जी ने संबोधन दिया, टोडरमल जी ने उपदेश दिया कि हे मृगराज, क्या महावत नहीं हाथी, कि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, तू क्यों कष्ट सहता है? ये देह तो छूटनी ही है मेरी, तू तो अपने निर्देशक और अपने मालिक के कहे अनुसार कार्य कर, तू परवाह मत कर, हम तो अजर अमर हैं, हम तो अविनाशी हैं, ये देह के छूट जाने पर भी हमारा मरण नहीं होगा, देह तो विनाशी है, सदा से ही विनाशी रही है, इसलिए तुम अपना कार्य करो, हमें तुम्हारे प्रति रंच मात्र भी द्वेष भाव नहीं है, नाराजगी नहीं है। ऐसा जब बहुत देर 2-5 मिनट संबोधन दिया, सारी दुनिया समाज उस माहौल को देख रही थी, हाथी की आंखों में आंसू आ गए उस उपदेश को सुनकर। सोचो आप, हाथी सैनी पंचेंद्री जीव है, मन है उसके पास में, विचार करता है क्या सही है और क्या गलत है, इसकी उसे पहचान होती है। ऐसी घटना घटी, टोडरमल जी का देहावसान हो गया, स्वर्ग में वे चले गए, और लेकिन जो ये घटना घटी और जो टोडरमल जी के अंत समय में जो शांत परिणाम थे, उनका जो संबोधन उन्होंने जो दिया जगत के जीवों को, वहां बैठे हुए लोगों को, जो भी बातें हुई, यद्यपि राजा ने उसके बाद टोडरमल जी के मृत्यु दंड के बाद निश्चित रूप से पूरे जयपुर की जैन समाज में बड़ा विरोध का वातावरण छा गया था, और उसके बाद में फरमान जारी किया और जगह जगह और जैन मंदिर बनवाए राजा ने, जैनियों के प्रति विशेष सहानुभूति का फरमान जारी किया। बिल्कुल उल्लेख है अपने पास में सारे, एक एक उसके 6 महीने बाद में क्या हुआ, साल भर बाद में क्या हुआ, आप जयपुर का इतिहास उठा करके देखो, जयपुर के इतिहास में टोडरमल जी का नाम मिलता है क्या? ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये ऐसे ऐतिहासिक पुरुष थे टोडरमल जी जो इस मंदिर में हुए। मैंने ये घटना आपके सामने पूरी इसलिए सुनाई है, पूरी कहानी का उल्लेख इसलिए किया है, क्योंकि
ये जो गुमानी राम जी के द्वारा जो समाधि मरण का स्वरूप लिखा गया, इस समाधि मरण के स्वरूप को देखकर और पढ़ करके ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उन्होंने अपने पिता की जो अंत समय में अवस्था देखी थी और शांत परिणाम देखे थे, तो उन्हें लगा किसे कहते हैं समाधि, क्या होता है समाधि मरण, कितने शांत परिणाम होते हैं। मौत को, मृत्यु को जो सहज और शांत भाव से स्वीकार करते हैं, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, जीने की वांछा नहीं हो, मरने की इच्छा नहीं हो, मौत आ जाए तो घबराहट नहीं हो, क्या, और नहीं आए तो मौत को चाहे नहीं, क्या कैसी सहजता होती है। अपने आप को अंदर में अजर अमर तत्व स्वीकार करने वालों की ऐसी ही अवस्था हुआ करती है। इस तरह का बहुत सुंदर प्रकरण अपने पिताजी से ही सीखकर गुमानी राम जी ने लिखा होगा यह प्रकरण। इसकी भूमिका मैंने आपके सामने बनाई है। इस प्रकरण की चर्चा और इनकी पंक्तियों के बारे में खुलासा हम फिर कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को मैं यहीं विराम देता हूं। आइए सर।